नमस्कार, मैं हूं विनोद सिंह। आप देख रहे हैं वीपीटीवी। सरकार द्वारा किए गए फैसले, आंगनवाड़ी स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्करों की बजाय प्री प्राइमरी टीचरों द्वारा ही आंगनवाड़ी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के विरोध में आज फाजिल्का जिला की आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में धरना देकर अपना गुस्सा जाहिर किया और पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाज के नारे भी लगाए गए। ये रोष प्रदर्शन कर रही इन आंगनवाड़ी वर्करों ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से आंगनवाड़ी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब उन बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूलों के टीचरों द्वारा ही शिक्षा देने के इस फैसले से पंजाब में तकरीबन 58,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आंगनवाड़ी सेंटरों में 10वीं और 12वीं और BA तक की पढ़ी हुई आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को बिना किसी ट्रेनिंग के अब ये काम सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए तानाशाही फैसले के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे और यदि सरकार ने अपना ये फैसला नहीं बदला तो आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार का डटकर विरोध। मैं पिंड चकड़ा वाले जे बतौर वर्क के तौर पर 18-12-96 तो कम कर रही हूँ। EMA मैं पास हाँ। जदों की जेड़ा बयान आया EGS वालियां दे, DGS ने बयान दिता है कि आंगनवाड़ी वर्कर 8 या 10 पढ़िया ने, 8 या 10 पढ़ी कोई भी इस टाइम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नहीं हैगी। सारिया BA, MA, BEd, ET बहुत डिग्रिया वर्कर के कोल ने, इतों तक कि साड़िया कोई 10% अजिंह वर्कर ने जिन्हें PhD भी पास ने और कई वर्कर PCS के टैसट की भी तैयारी में रुझिया हुई ने। MPL, BSc, MSc सब वर्कर पास ने। ये जो बयान है उस बयान की निखेधी करते हैं, जो उन्होंने कहा कि अनपढ़ गवार ने, असं अनपढ़ गवार नहीं है। कुछ EGS वलंटियर योजे ने जेडे कि +2 ही मसा पास ने, ना ही उन्होंने कोई तजा की हुई ED नहीं की हुई। वो पिंडा में जेडे पहला कई होर काम करते और इतों इस काम में तब्दील होए ने। साड़िया आंगनवाड़ी वर्कर जड़िया ने शुरू तो ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का काम कर रही ने, बहुत वधिया काम कर रही जड़िया कि वर्कर 2007 के बादल सरकार ने PCC केंद्र खोली सी, उन्होंने असी बंद कराया सी अपने संघर्ष सदका और तब्दील साडे आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर वह काम कर रही ने। असी चाहते हाँ कि पंजाब सरकार आपका फैसला वापस लवे और साड़िया आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी टीचर का दर्जा दे के इन्हों ही प्री नर्सरी क्लासा दिखाई जा। 25 सितंबर तो जरा फैसला आया सी उदों तो विरोध कर रहे हैं। साड़िया भैणा हर ब्लाक से हर जिले से असी धरने करके SDM DC नूं और DGS नूं खून राही पत्र भी लिखे ने। पत्र लिख के असी यही मांग की है कि भी सानू जिहड़ी प्री नर्सरी क्लासा सानू यह फैसला वापस आंगनवाड़ी तब्दील कीतियां जाण। जब तक यह सरकार नहीं करती असी हर रोज़ रोस मुजाहरे करांगियां और कांग्रसी जो हैगे ने MLA MP असी उन्हां दे घरां दे अगे भी प्रदर्शन करांगे। बठिंडे दे विच भी असी बहुत वड्डा प्रदर्शन कीता सी मनप्रीत बादल दे दफ्तर दे अंदर जाके। मनप्रीत बादल नाल मीटिंग भी होई सी, उन्होंने यही विश्वास दवाया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री नाल मीटिंग करके तुहानू जल्दी तो जल्दी समा लैके दिता जाएगा और तुहाडी गल्लबात अगे रखी जाएगी। पर अजे तक भी वो टाल बटोल की जा रही, कोई सानू समा नहीं दे रहे कैप्टन साहब जी कि असी अपना दुख दर्द उन्होंने अगे सुना सकी। सो असी यही चाहते हैं कि सरकार साडे नाल खुले तौर पर गलबात करे और जिहड़ा फैसला किया वापस लवे। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ MLA MP ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 600 ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 1200 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।